आज के टाइम में जब भी हम स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो अभी तक सिर्फ कैमरा फीचर्स पर ध्यान देते थे, लेकिन एक जो ट्रेंड चला है आजकल मार्केट में वो है फास्ट चार्जिंग का। तो आजकल इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया है, इसमें लोग चाहते हैं कि स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाए और एक लॉन्ग बैटरी बैकअप दे, जिससे हमें फ़ोन को बार बार चार्ज ना करना पड़े। सो आज मैं आपको ऐसे फ़ोन्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में जो कि बजट सेगमेंट में आते हैं, लेकिन इनमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अच्छा मिलता है और बड़ी बैटरी मिलती है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला फ़ोन है OnePlus का लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन OnePlus Nord CE4। अच्छी बात यह है कि ये एक बजट सेगमेंट फ़ोन है, बहुत ही कम प्राइस में कंपनी ने लॉन्च किया है और इसमें आपको एक बड़ी बैटरी और एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और ख़ास बात ये भी है कि इसमें एक पावरफुल प्रोसेसर दिया है। सो वैसे इस फ़ोन में मिलती है आपको 5500 mAh की बैटरी, जिसके साथ 100W का वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और अच्छी बात है इसमें एक स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर दिया गया है। 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, हाई रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन है, एंड्रॉयड 14 अपडेट मिलता है और ये सब कुछ आपको मिल रहा है 24,999 यानी कि 25,000 रुपये में। तो अच्छी चीज़ है कि बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और कंपनी ने क्लेम भी किया है कि काफ़ी कम टाइम में ये फ़ोन जल्दी चार्ज होता है और एक लॉन्ग बैटरी बैकअप देता है। इसके बाद जो दूसरा फ़ोन है वो है Redmi Note 13 Pro Plus। ये भी एक लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो बैटरी साइज़ है वो स्टैंडर्ड 5000 mAh रखा गया है, लेकिन इसमें जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो हाईएस्ट है 120W, और 120W चार्जिंग किसी फ़ोन में मिल रही है तो मतलब ये काफ़ी अच्छा नंबर है। क्विक चार्ज होता है, एक अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा इसमें। इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि बिल्कुल लेटेस्ट और फास्ट मीडिया टेक डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया है और ये फ़ोन वाटर प्रोटेक्टेड भी है, तो इसमें आपकी बैटरी सेफ भी रहेगी, फास्ट चार्जिंग है क्योंकि फ़ोन की परफॉर्मेंस भी फास्ट है, इतना हाई लेवल का प्रोसेसर दिया है फ़ोन में। इसके साथ ही ये आता है लेटेस्ट MIUI 14 बेस्ड एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसका प्राइस है 32,000, तो ये भी 30,000 तक के आसपास का एक मिड रेंज सेगमेंट फ़ोन है जो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा तीसरा लिस्ट में फ़ोन है iQOO Neo 9 Pro। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि iQOO अपने स्मार्टफोन्स गेमिंग के लिए तैयार करता है, तो गेमर्स को तो एक फास्ट चार्जिंग फ़ोन चाहिए ही। अच्छी चीज़ ये भी है कि अच्छी बैटरी के साथ इसमें प्रोसेसर भी अच्छा दिया है, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये पर्टिकुलरली फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है। सो इस फ़ोन में है 5160 mAh की बैटरी जो 120W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, तो बैटरी साइज भी बड़ा रखा है और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है। साथ ही कंपनी ने ये भी क्लेम किया है कि ये सिर्फ 11 मिनट में 1 से लेकर 50% तक आपके फ़ोन को चार्ज कर सकता है। यूजुअली कोई कंपनी इतना हाई नंबर क्लेम नहीं करती है, लेकिन iQOO के जो फ़ोन है जैसे मैंने बताया कि गेमर्स के लिए तैयार किए जाते हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है और इसका प्राइस रखा गया है 40,000 से कम, तो आप इसको कुछ 36,000 या 37,000 के अराउंड खरीद सकते हैं। अब जो लास्ट फ़ोन है वो है Motorola Edge 50 Pro। ये भी एक लेटेस्ट फ़ोन है जिसे हाल ही में अभी इंडिया में लॉन्च किया गया है। ये पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें बहुत सारे नए AI एक्सक्लूसिव फीचर्स दिए हैं और ये फ़ोन आता है Snapdragon 7 Gen 3 के साथ। अब जो प्रोसेसर फास्ट रखा है इसका मतलब बैटरी भी फास्ट होनी चाहिए, तो बैटरी साइज़ बहुत स्टैंडर्ड साइज़ रखा है ताकि फ़ोन का वेट ज़्यादा ना हो। इसमें आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, लेकिन अभी जो मैंने आपको लिस्ट में फ़ोन बताया उसमें अभी तक का सबसे हाईएस्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसी फ़ोन में दिया गया है 125W चार्जिंग। इसमें आपको 68W का एक अडाप्टर भी मिलता है। अगर आप 125W चार्जिंग को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके हाई एंड वेरिएंट में है जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। तो इन दोनों के जो वेरिएंट्स के प्राइस हैं जिसमें आपको 68W मिल रहा है चार्जर, उसका प्राइस है 32,000, और अगर आप 125W वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए तो उसका प्राइस है 36,000। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बैलेंस आउट किया है कंपनी ने और इसका जो प्राइस है वो भी अच्छा है। सो ये जितने भी फ़ोन्स मैंने आपको बताए हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन्स हैं, तो अगर आपको एक ऐसे फ़ोन की रिक्वायरमेंट है जिसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो, एक अच्छा बैटरी बैकअप हो, लॉन्ग टाइम तक चले, बार बार चार्ज ना करना पड़े और बजट में फिट हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि ये पुराने फ़ोन्स नहीं हैं, लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन्स हैं, तो आपको फास्ट प्रोसेसर मिल रहा है, अच्छे कैमरा फीचर्स मिल रहे हैं, AI फीचर्स मिल रहे हैं और भी जितने फ़ोन के ओवरऑल फीचर्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। तो इस लिस्ट में कौन सा फ़ोन आपका फेवरेट है, आपका टॉप पिक होगा, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।
इन तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।